लिस्ट जारी हुई है। 61 प्रत्याशियों की सूची कांग्रेस ने जारी की है। कुल 61 प्रत्याशी की सूची जारी की गई है कांग्रेस की तरफ से। यूपी चुनाव के लिए कांग्रेस की एक और लिस्ट जारी कर दी गई है। इकसठ प्रत्याशियों की सूची है ये। हाथरस से कुलदीप सिंह, कासगंज से कुलदीप पांडे, किसनी से विनय नारायण, बिसलपुर से शिखा पांडे। हाथरस, कासगंज, किसनी, बिसलपुर, पलिया, निघासन, गोला, गोकरनाथ, ऐसी तमाम विधानसभा सीटों पर कैंडिडेट का ऐलान कर दिया गया है। 61 प्रत्याशियों की सूची है। प्रयागराज की प्रतापपुर सीट से भी ऐलान किया गया है। संजय तिवारी को टिकट दिया गया है। ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र संघ के अध्यक्ष रहे, उन्हें टिकट दिया गया है। अयोध्या से रीता मौर्या को टिकट दिया गया है। बहराइच से जयप्रकाश मिश्रा को टिकट दिया गया है। कप्तानगंज से अंबिका सिंह को टिकट दिया गया है। हाटा से अमरेंद्र मल को टिकट दिया गया है। मऊ से मानवेंद्र बहादुर सिंह को टिकट दिया गया है। रसला से डॉक्टर ओमलता को टिकट दिया गया है। इन 61 प्रत्याशियों में तकरीबन 24 कैंडिडेट महिलाओं को बनाया गया है। जो 61 सूची जारी की गई है प्रत्याशियों की, इसमें से तकरीबन 24 सीटें महिलाओं को दी गई हैं। सीमा अब इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर है। सीमा, अब 61 उम्मीदवारों का ऐलान हुआ है और कांग्रेस ने ऐसा कमिटमेंट किया था, 24 महिलाओं को भी मैदान में उतारा है इसमें। जी बिल्कुल, जाहिर है कि प्रियंका गांधी ने इस बात का पहले ही ऐलान कर दिया था कि वो 40% महिलाओं को टिकट देंगी। आज जो 61 लोगों की लिस्ट आई है उसमें भी कमोबेश 40% महिलाएं जो है वो शामिल हैं, और उनमें जो है वो तमाम महिलाएं ऐसी हैं जिनके ऊपर जुल्म ज्यादती हुई थी। ऐसा प्रियंका गांधी का मानना था कि जो पीड़ित लोग थे, शोषित लोग थे, उनको प्राथमिकता दी जानी चाहिए। और आज जो टिकट फाइनल हुए हैं 61 नाम, तो उसमें जो है वो महिलाओं को भी प्राथमिकता दी गई है। 40% महिलाओं का नाम है और बाकी अन्य लोगों के नाम है। साथ ही साथ इनके साथ जो है वो जो क्षेत्र का सिनेरियो है, जाति समीकरण है, उन सब चीजों को भी साधने की कोशिश की गई है। शुक्रिया सीमा, इस जानकारी के लिए आपका। तो 61 प्रत्याशियों की सूची जारी की गई, इसमें 24 महिलाओं को भी टिकट दिया गया है। पांचवें चरण के 61 उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है। इसमें कुछ दूसरे चरण के यानी चौथे चरण के भी कैंडिडेट का भी ऐलान हुआ है, जैसे कि अयोध्या सीट पर ऐलान कर दिया गया है। हमीरपुर से ऐलान कर दिया गया है। राजकुमारी को यहां से प्रत्याशी बनाया गया है। राठ जो कि सुरक्षित है, कमलेश कुमार को टिकट दिया गया है। बांदा से लक्ष्मी नारायण गुप्ता को टिकट दिया गया है। और इसी के साथ खागा जो कि सुरक्षित सीट है, वहां से ओम प्रकाश को टिकट दिया गया है। इलाहाबाद की प्रतापपुर विधानसभा सीट से संजय तिवारी को मैदान में उतारा गया है। लंबे समय से कांग्रेस से जुड़े रहे, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अध्यक्ष भी रहे हैं, इन्हें टिकट दिया गया है संजय तिवारी को। ये हम आपको दिखा रहे, कुलदीप सिंह हाथरस, कुलदीप पांडे कासगंज, 61 लोगों के नामों का ऐलान किया गया है। विनय नारायण किसनी से, शिखा पांडे बीसलपुर से, रिशल अहमद पलिया से, 61 लोगों की सूची आज जारी की गई है कांग्रेस की तरफ से। अटल शुक्ला निघासन से, शिखा पांडे बीसलपुर से, इन्हें टिकट दिया गया है। ये कांग्रेस के प्रत्याशियों की सूची जारी की गई है। 61 कुल कैंडिडेट आज जारी हुए हैं, इसमें से 24 महिलाओं को टिकट दिया गया है कांग्रेस की तरफ से। बारी बारी से हम आपको नाम दिखा रहे हैं। 61 लोगों के नामों का ऐलान हुआ है, इसमें 24 महिलाओं को टिकट कांग्रेस पार्टी ने दी है।
ये हम आपको नाम दिखाते जा रहे हैं। हाथरस से शुरू हुआ है, इसमें कुलदीप कुमार सिंह को टिकट दिया गया। थर्ड फेज में यहाँ इलेक्शन होना है। यहाँ से सरोज देवी चुनाव मैदान में पहले थी, उतारा गया था, बाद में उनकी जगह पे बकायदा इसमें लिखा है इन प्लेस ऑफ श्रीमती सरोज देवी कुलदीप कुमार सिंह को टिकट दिया गया है। थर्ड फेज में यहाँ पे इलेक्शन होना है। तीसरे चौथे और पांचवें और छठवें और सातवें कुछ सीटों पर सातवें भी कैंडिडेट उतार दिए गए हैं, जैसे कि मऊ में सातवें चरण में मतदान होना है। साथ ही साथ दुद्धी में आखिरी में 403 विधानसभा सीट है, यहां से भी प्रत्याशी उतार दिया गया है। महिला प्रत्याशी को यहां पर टिकट दिया गया है। पलिया से रिशल अहमद और निघासन से अटल शुक्ला, गोला गोकरनाथ से प्रहलाद पटेल और श्रीनगर से जो सुरक्षित सीट है यहां पर चांदनी को टिकट दिया गया है। धौरहरा से जितेंद्री देवी को टिकट दिया गया है। लखीमपुर खीरी से रवि शंकर त्रिवेदी को टिकट दिया गया है। और इसके साथ सेवता से डॉक्टर विजयनाथ अवस्थी को टिकट दिया गया है। कुल 61 प्रत्याशियों की सूची जारी की गई है। मलिहाबाद सुरक्षित सीट है, यहां से रामकरण पासी को दिया गया है। हरचंदपुर से सुरेंद्र विक्रम सिंह को टिकट दिया गया है। यहाँ चौथे चरण में मतदान होना है। ये लखनऊ की दो विधानसभा सीटों पर कैंडिडेट का ऐलान किया गया है। और गौरीगंज से फतेह बहादुर और सुल्तानपुर से फिरोज अहमद खान, कन्नौज से ये सुरक्षित सीट है विनीता देवी को टिकट दिया गया है। गोविंदनगर से करिश्मा ठाकुर को टिकट दिया गया है। आवास बनाते थे हमने।